सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिंदूरिया एसआर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात हथियार बंद लोगों ने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज छात्र को उठा लिया। छात्र को सरेआम अपहरण की सूचना पर स्थानीय लोगों और छात्र आक्रोशित हो गए और उन्होंने आनन फानन में हाईवे जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही ओबरा सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को जानकारी दी कि जौनपुर से आई एसओजी टीम ने युवक को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार युवक पर कई मामले दर्ज हैं। प्रथम वर्ष का छात्र है सुनील कुमार यादव और उसे कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप के पास करीब कॉलेज से 1 किलोमीटर की दूरी पे किडनैप करने की कोशिश की। बच्चों ने हमें इन्फॉर्म किया, इसके बारे में हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, एसपी ऑफिस को भी फ़ोन किया और ओबरा जो थाना अध्यक्ष उनसे भी बात की हमने। बाद में हम चोपन थाना में भी गए, वहाँ पर पता चला कि इसे जौनपुर पुलिस ने उठाया है, स्टूडेंट को जौनपुर पुलिस अपने साथ ले जा रही है। बट जौनपुर पुलिस ने हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी क्योंकि हमारे किसी स्टूडेंट को यहाँ से लेके जा रहे हैं और उनका जो तरीका था वो भी गलत था। स्थानीय पुलिस ने कुछ सूचना नहीं दी आपको? नहीं, स्थानीय पुलिस ने भी कोई सूचना नहीं दी, उन्होंने किडनैपर की तरह किडनैप किया बच्चे को। वहीं पुलिस के आने के बाद लोग शांत हुए और तब जाकर लोगों ने जाम खोला। लोगों का आरोप है कि जिस वक्त एसओजी टीम ने युवक को उठाया उस वक्त उनके साथ कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।